कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके ट्रेलर के लिए बहुत ही पसंद किया जा रहा है लोगों के बीच, क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में, या दोनों? पहले ये बोले। हम अच्छा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं फिल्म को लेकर के। 9 मार्च को रिलीज़ होने जा रही है हेट स्टोरी 4। दर्शकों को बहुत ही ज़्यादा, सभी बहुत ज़्यादा सुपर एक्साइटेड हैं, बिकॉज़ पहले जो इंस्टॉलमेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, पार्ट 1, 2, 3, सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। दो नाम हेट स्टोरी 4 है, बट इट्स वन ऑफ द मोस्ट लव्ड ब्लॉकबस्टर्स एंड मोस्ट लव्ड फ्रेंचाइज। सो आई होप कि दर्शकों का प्यार इस बार दोबारा मिलेगा 9 मार्च को हेट स्टोरी 4 को लेकर के। पहली बात तो आई एम जस्ट वॉन्ट टू थैंक एवरी वन, क्योंकि जिसने ट्रेलर देखा सबको इतना पसंद आया है, एंड ऑफकोर्स इसलिए व्यूज़ बढ़ रहे हैं। कहाँ ना कहाँ मोटिवेशन ट्रेलर से मिलता है, जब ट्रेलर आपको लोगों को पसंद आता है और एक रीच बन जाती है। व्हेन यू रीड द कमेंट्स ऑल्सो, ऑफकोर्स दोनों कमेंट आते हैं, अच्छे भी आते हैं बुरे भी आते हैं, बट जब लगता है कि नहीं, पीपल आर लविंग दिस थिंग। और हे स्टोरी 4 में ये इरोटिक का वो है ही नहीं उसमें, जो लोग, एंड आई थिंक जब ट्रेलर से काफ़ी लोग अभी दिस ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड एवरी वन जिस तरह से सब लोग इतने एडुकेटेड हो गए आज कि दे नो के ट्रेलर में क्या है और क्या स्टोरी है। तो आई एम थैंक यू सो मच, जो हम दिखाना चाह रहे थे वो जिस तरह स्टोरी वो एग्जैक्टली वैसे पहुँची है, बट उसमें एक बहुत ही बड़ा सा ट्विस्ट है जो आप देखने के बाद आपको पता चलेगा कि वो स्टोरी इट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू इवेंट्स, एंड कहाँ ना कहाँ आप एक कैरेक्टर से कनेक्ट करने वाले हो और एक आप मैसेज लेके जाने वाले हो जो आज तक की हेट स्टोरी की कोई भी फ्रेंचाइजी में हम लोगों ने दिखाया नहीं था। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि ये एक मैसेज वाली फिल्म नहीं है, बट जिस तरह से बनी है, जिस तरह से हम लोग ने एक इवेंट लिया था, सभी लोग कनेक्ट करेंगे, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, आंटी हो, अंकल हो, हूएवर इट इज़, दे आर गोइंग टू कनेक्ट विद द कैरेक्टर एंड दे आर गोइंग टू टेक द कैरेक्टर एट होम। सी एक्चुअली मुझे एक क्वेश्चन मुझे भी लोगों को पूछना है, आई मीन आप लोगों को, क्या बोलते हो क्या वजह है उनको कास्ट करने की? मैं पूछना चाहता हूँ क्या एक आप एक वजह बताओ कि उनको मैं कास्ट क्यों ना करूँ, ठीक है? सो मेरे पास तो बहुत सारी वजह है, तो जो आप 9 मार्च को देखोगे आप वो खुद जान लोगे, और एक्चुअली आपको तो ये जान लेना चाहिए बिकॉज आई हैव शोन द ट्रेलर इन एवरीथिंग। गाना है, परफॉर्मेंस है, लोकेशंस है, ऑफकोर्स मैं हूँ, आई मीन टी सीरीज का म्यूजिक है, बहुत सारे, आई मीन ज़्यादा पैसा लगे हुए, ज़्यादा लगा हुआ दिस टाइम ऑन हेट स्टोरी 4। सो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं, बट कमिंग टू द थिंग, इट्स लाइक आपको एक नया नया कैरेक्टर चाहिए होता है जो ऑडियंस ने वो देखा नहीं होता, एंड अब अगर आप वो दिखा दो तो आई थिंक कहाँ ना कहाँ आप 30-40% गेम आप वहाँ पर जीत जाते हो, और जब ट्रेलर आता है और गाने आते हैं तो मोर 20-30% गेम वहाँ पर जीत जाते हो। तो कहाँ ना कहाँ आई नीडेड अ कैरेक्टर हु लुक्स ग्लैमरस, जो वनरेबल भी हो, एंड आई थिंक जिस तरह से मूवी में जो शेड्स बन के आए उर्वशी पे, एंड ऑफ कोर्स ऑल द अदर कैरेक्टर्स ऑल्सो, इट हैज़ कम आउट वेरी गुड, एंड आई एम वेरी मच श्योर मैं आप जो अभी मैं बोल रहा हूँ 9 मार्च को सब मेरे साथ एग्री करेंगे। जी हाँ, ये डायरेक्टर्स और एक्टर्स दोनों को ही एक प्रेशर होता है हमेशा और अच्छा परफॉर्मेंस करने का, एंड आई ट्रीट इट एंड आई टेक इट एज अ हेल्थी प्रेशर, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ये ही इज़ अ ब्रांड मेकर, इनके आई एम श्योर हमसे ज़्यादा इनका भी बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है कि हमेशा ही हैज़ टू एक्सेल, हैज़ टू मेक 4 बेटर देन 3, 3 बेटर देन 2, नाउ 5, 6 बेटर देन 4, तो जो कि हो रहा है। So and we all know that how hard we've worked toward this film. When I got to know about this film, I was मुझे ये पता है कि ये मेरे करियर की पहली फीमेल सेंट्रिक फिल्म है, ये मेरा करियर की ये पहली थ्रिलर फिल्म भी है, इससे पहले मैंने कोई थ्रिलर जॉनर में कोई और फिल्म नहीं की है, सो दिस वॉज समथिंग वेरी न्यू टू मी, एंड ही इज़ द मास्टर ऑफ थ्रिलर्स, सो आई एक्चुअली गॉट टू लर्न सो मेनी डिफरेंट वेरियस डिफरेंट things and stuff about the movie, but apart from that I must say ki it was very exhausting experience, but saath hi saath bahut hi zyada interesting aur khoob maza aaya Tasha ka character perform karke, kyunki jo ye kirdaar hai itna, it's not just like a glam doll kind of a character, but bahut hi amazing amalgamation hai do different worlds ka, jahan pe wo ek strong fierce
इंडिपेंडेंट लड़की है, उसके साथ ही साथ वो काफ़ी वल्नरेबल रियल हेल्पलेस भी है. और कई कुछ ही फिल्म्स होती हैं जिसमें इस तरीके का किरदार आपको निभाने को मिलता है. जब मैं बचपन से मैं कई सारी फिल्म देखती आ रही हूँ, फॉर एग्जांपल अभी जैसे एक फिल्म आई थी वंडर वूमन गल गदौत की, वो भी मिस यूनिवर्स इज़राइल है. मैं उनकी जर्नी काफ़ी पहले से फॉलो कर रही हूँ. तो आई ऑल्सो वॉन्टेड टू डू समथिंग लाइक दैट, विच आई एम नॉट कंपेयरिंग. वंडर वूमन इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट जॉनर देन दिस, बट आई कुड टू बी एबल टू पोर्ट्रे यू नो अ वेरी स्ट्रॉन्ग character was something which I really wanted to do, and I'm really happy it's happening with this Hate Story 4. And this time the stakes are more higher because humne puri shooting London aur Dubai mein ki hai is film ki, aur I'm really happy with the response. So yeah, really looking forward to 9th of March. So Urvashi, kitna relate karti hain aap jo cast mein aap kirdar nibha rahi hain, kitna relate karti hain aap? Ji, jo super model ka part hai, that came naturally to me. Because before winning the pageants, I was a teen supermodel. But जो ताशा के characteristics हैं वो काफ़ी different हैं मेरे real life से. I actually created a back story with the help of my director, कि उसकी characteristics क्या हैं, वो किस तरह की लड़की है, वो London में क्या कर रही है, उसकी relationship क्या है उसकी family के साथ, उसके past में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, उसकी घटनाएँ क्या हुई हैं, everything I just created and just I made sure that I follow ताशा throughout. तो विशाल, हॉलीवुड में ये चल रहा है कि अगर सॉन्ग हिट तो फिल्में, सो आपके गाने तो हिट हो ही चुके हैं, तो क्या क्या कहना है? एक्चुअली मैं बताऊं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं. देर आर मेनी फिल्म्स जिसपे सेम सॉन्ग हिट हुए है और सॉन्ग ही हिट हुए है. तो क्या नाम दो तो वही हुआ है. बट आई थिंक जो थ्रिलर फिल्में बहुत कम आ रही है, एंड आई थिंक जिस तरह से मैं फिल्म बना रहा हूँ, इट्स वेरी कमर्शियल आउटर में बनाता हूँ. मुझे कोई एक्सपेरिमेंट करने का कोई शौक नहीं है कि मुझे ये करना है वो करना है, मुझे वही बनाना है जो ऑडियंस को देखना है. उस पर गाने मिलते हैं, बिकॉज व्हेन यू वर्किंग विद टी सीरीज द बेस्ट थिंग यू गेट, और आपको एज अ डायरेक्टर कुछ स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो है गाने. लोग गाने के पीछे लाइफ में मतलब आधी जिंदगी अच्छे गाने ढूंढने में लग जाते हैं, और सबसे ईजी मेरे लिए होता है आई जस्ट हैव टू गो मीट भूषण जी, सर ये सिचुएशन है, वो तो एक हफ्ते बाद आओ. ऑफकोर्स देन हम लोग उस पर वर्क करते हैं, बट द आशीर्वाद मिलेगा एक हफ्ते बाद आओ. हाँ, और वो तो आशीर्वाद भी मतलब तो डायरेक्ट ट्यून दे देते कि भाई ये है तेरा तेरा गाना. एंड आई मीन द सॉन्ग चॉइस उनके पास जो है, एंड एवरीवन नोज इट कि जस्ट सुपर विद द इयर्स. एंड आई मीन और साथ में आई नो कि जब मैं मुझे एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, मुझे वही बना जो ऑडियंस को देखना है, तो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी जुड़ जाती है अच्छे गाने की एंड कमर्शियल सिनेमा की. तो आई थिंक गाने का वो क्लिक हो रहा है. एंड ऑफकोर्स आई एम नॉट गेटिंग, मैं इसमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ. मैं कॉन्फिडेंट रहना चाहता हूँ कि पब्लिक को ऑडियंस को क्या चाहिए, मैं उसका ओवर कॉन्फिडेंट ना लूँ. एंड आई थिंक इसीलिए कॉन्फिडेंट में रह के ही मैंने ये मूवी बनाई है, इसलिए लोगों को पसंद आ रहा है ट्रेलर. एंड आई एम वेरी मच श्योर कि 9th ऑफ मार्च को लोगों को मूवी भी पसंद आएगी. या सो विशाल ये भी कहना चाहेंगे कि ट्रेलर देख के थोड़ा बोल्ड एंड हॉट दिखा, ग्लैमर होगा, तो क्या ये बच्चों के लिए भी होगा, फैमिली के साथ देख सकते हैं? ठीक है, अपने ये ना बिकॉज क्या ना क्या हो गया ना, हेट स्टोरी 1 वॉज द बोल्डेस्ट. ठीक है, जनरली फ्रेंचाइजी बोल्ड बोल्डेस्ट बोल्डेस्ट होती रहती है, बोल्ड बोल्डर बोल्डेस्ट होती है. यहाँ पे बोल्डेस्ट बोल्डर बोल्ड हो रही मेरी. ठीक है, एक किसिंग सीन से आपकी फिल्म इरोटिक बनती नहीं है, बट अभी किसको वो लगा टैग लगा के घूमना है तो लगा के घूम सकते हैं हम. आई डोंट वॉन्ट टू चेंज दैट टैग, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, आजकल इसलिए मैं ये चीज़ घड़ी घड़ी हर एक आंसर मेरा सेम रख रहा हूँ मैं. व्हेन यू आर वॉचिंग अ टेलीविजन शो, वहाँ पे कुछ एड्स आ रही है जिसमें किसिंग दिखा रहे हैं, आई मीन लिटरली आई मीन किसिंग, वो चलेगा बिकॉज हम घर के छोटे पे देखते हैं ना, तो दैट्स ओके, वो फैमिली के साथ है. जब हम बड़े सिनेमा हॉल में जाके देखते हैं तो इट्स ऑलवेज रॉन्ग. और काफ़ी सारी फिल्म्स है मैं गिना सकता हूँ जो मतलब जो एक्टर लगता है ना कि जनरली लोग सोचते हैं कि नहीं यार बड़े एक्टर को करने की ज़रूरत नहीं है, वो करने की ज़रूरत और छोटे बड़े की बात ही नहीं आती. इट्स अबाउट जो स्क्रिप्ट को डिमांड होती है. टुडे आई डोंट वांट टू नेम जो बड़े एक्टर ने किए तो भी फिल्म नहीं चली. तो यहाँ पे तो मैं वही दिखा रहा हूँ, एक गाना है, एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, उसमें लोग किस कर रहे हैं, दैट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग. आई एम ओनली शोइंग दैट लोगों ने उसको इरोटिक दे दिया, लोगों ने किसिंग को आज इतना जब इंटरव्यू देखने के बाद और सुनने के बाद किसिंग को लोग लव मेकिंग कहने शुरू हो गए. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव कम टू नो कि किसिंग आल्सो इक्वल टू लव मेकिंग. सो मेरे लिए किसिंग किसिंग होती है, पैक पैक होता है. लव मेकिंग जो मैं दिखाता नहीं हूँ वो लोगों के माइंड में है, जो बाद में देखने के बाद मुझे बहुत सारी गालियाँ मिलती है.
बट मुझे क्यों मिलती है मुझे पता नहीं, बिकॉज आई हैव नेवर शोन और नेवर टोल्ड कि आई हैव अ लव मेकिंग एंड आई एम डूइंग अ बोल्डेस्ट काइंड ऑफ अ फिल्म. बट एनी वेज, सो वैसे बिल फिल्म बिल्कुल नहीं है. और आपका कमिंग टू बैक टू योर क्वेश्चन, येस यू कैन सी विथ योर फैमिली, पर अगर किसको माइंड में है कि नहीं किसिंग सीन है तो दैट यू हैव टू डिसाइड. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप डिसअपॉइंट नहीं रहोगे, बिकॉज मोर देन एनी थिंग इट्स अ ग्रेट स्टोरी. और वापस मैं बोल रहा हूँ, आप मैसेज लेके बाहर जाने वाले हो विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज, मोर देन पैसा वसूल फिल्म. सो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच हेट स्टोरी फॉर माइंड द मार्च. सो कुछ सुनने में आया था आपको, कुछ थ्रेट्स भी मिले, धमकियां भी मिली थी फिल्म के दौरान, क्या मसला था वो जरा? आई थिंक ये आपको बिकॉज ऑफ दैट वर्ड द्रौपदी इन द ट्रेलर, वो ये एक्सप्लेन करेंगे. हम सी वी आर हेयर टू मेक अ फिल्म एज अ डायरेक्टर ऑल्सो एज अ टीम. वी डू नॉट वॉन्ट टू हर्ट पीपल्स सेंटिमेंट्स. हमको किसी के भी कोई भी, हम यहाँ पे एक स्टोरी कन्वे करना चाहते हैं जो हमने इतने प्यार से बनाई है. हम किसी के भी सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं करना चाहते. तो वो जो भी लोगों को प्रॉब्लम हुई है द्रौपदी वर्ड से, वो कहीं ना कहीं जब वो फिल्म देखेंगे तब उनको पता चलेगा कि किस तरीके से आया है. ये हमने जानबूझ के डेफिनेटली नहीं डाला है. और इट वाज जस्ट एन एग्जांपल है. वो हम लोग ने कोई भी किसको, जैसे व्हाट शी इज सेइंग इज टोटली एब्सोल्युटली राइट, किसके सेंटीमेंट्स को हर्ट नहीं किया है. इट्स जस्ट एक आप जब सीन देखोगे तब बोलोगे अच्छा अच्छा ये है करके. बट लोग इतने जजमेंटल हो गए हैं. जैसे मैंने अभी बोला किसिंग को लव मेकिंग कर दो जजमेंटल, एक लाइन को कुछ किसके सेंटीमेंट को हट गया जजमेंटल. सो आई पहले आप अपने वो थोड़ा आप मेंटल ब्लॉक को ओपन करो, जजमेंटल मत बनो. तो प्लीज़ ऐसा कुछ भी नहीं है. आप एक बार मूवी देखे उसके बाद अगर आपको लगे तो दैट थ्रेड्स आप प्लीज़ इनको दे सकते हो, वो प्रॉब्लम नहीं है. और या फिर राइटर को दे सकते हो क्योंकि उसने लिखा, मैं तो शूट करके आ गया वापस, मैं भी शूट उसने लिखा, इन्होंने बोला, मैं तो कुछ किया ही नहीं है. बट एज अ टीम वी ऑल रिस्पेक्ट अ माइथोलॉजिकल बुक्स, बीट महाभारत और द अमेजिंग कैरेक्टर्स प्रिंसेस द्रौपदी. हम ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहेंगे. सो लास्ट आप अपने फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? To all my fans out there, सबसे पहले ढेर सारा शुक्रिया कि आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया, ब्लेसिंग्स दी हर एक चीज़ के लिए. मेरी फिल्म रिलीज़ हो रही है हेट स्टोरी 4 9 मार्च को. सो देखना ना भूलिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ. 9th मार्च हेट स्टोरी 4. देखो मैं तो बोलना चाहूँगा जो फ़ैन है वो तो मेरी मूवी देखेंगे, और जो ये मैसेज है मेरे फ़ैन जो नहीं है उनके लिए है कि प्लीज़ जाके देखिए, और देखने के बाद अब मेरे फ़ैन बनिए क्योंकि आप लोग को बहुत अच्छा लगने वाला, पसंद आने वाला है. तो प्लीज़ आके स्टोरी 4 देखिए 9th मार्च को. और इंस्टाग्राम पे मेरे मुझे फॉलो कीजिए, बहुत कम लोग हैं, इन लोग के बहुत सारा है तो मुझे फॉलो कीजिए. इसके लिए मैं फिल्म बना रहा हूँ कि अभी तो सिर्फ इंस्टाग्राम है. सो या वॉच हे स्टोरी 4 9th मार्च. सो कॉन्ग्रेचुलेशन आपके ट्रेलर लॉन्च ट्रेलर के लिए. बहुत खूबसूरत आपका ट्रेलर है, बहुत पसंद किया. तूने देखा ही नहीं ना ट्रेलर? झूठ बोल रहे हैं. क्या बोल रहे हैं? क्या होता है ट्रेलर में? बिगनिंग में क्या डायलॉग है? बता 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 बता. अब डायलॉग हम लोग जब एंकर होते हैं ऐसे ही खींचते हैं हमारी. अच्छा चुप बोल. देखा, बहुत पसंद आया. गाने भी सुने मैंने. क्या कौन कौन सा गाना पसंद आया तुम्हें बता अभी? वो एक ही गाना है, बेसिकली यही पसंद है. हम दूसरा गाने का नाम क्या है? नाम है मेरा आपका माइक यहाँ से. हम ये कहना चाहेंगे कि 9 मार्च को फिल्म रिलीज हो रही है. इट्स एन ओवरऑल ब्लॉकबस्टर इन द मेकिंग. इट्स गॉट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एरोटिका, थ्रिलर, रोमांस, amazing songs, suspense, yeah. everything. It's got Karan Vai, it's got Ihana Dillon, it's got me, it's got the one and only Urvashi Rautela and Vishal Pandya behind the camera. So it's going to be an amazing watch. It's a thorough entertainer. Yeah. Please watch it and leave your comments on the T-Series website. So, characters ki baat ki jaye to kis tarah ka kirdaar hai aapka? Simple hai, main villain hu. Ye heroine hai aur wo hero hai. Simple ho gaya. हम कुछ नया बोलना चाहते हैं, बट आई थिंक बिकॉज़ यू नो व्हेन यू कीप गिविंग इंटरव्यूज यू टेंड टू लाइक नॉट से टू मेनी. अच्छा ठीक है, ये विलन है, मैं हीरोइन हूं और ये हीरो. अच्छा मैं हीरो हूं. नहीं यार, आई थिंक ये एक फिल्म में हर कैरेक्टर ग्रे है. सब पूरे पॉजिटिव नहीं है, पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं है, पूरी तरह से नेगेटिव नहीं है. इंक्लूडिंग जो सबसे ज्यादा आई थिंक ग्रे है वो विवान का कैरेक्टर है, लेकिन देयर इज अ बिग पोर्शन ऑफ विवान कैरेक्टर दैट इज अ नाइस
मैन लाइक यू नो आप यू विल फील फॉर विवान्स कैरेक्टर यू विल फील फॉर हर यू विल फील फॉर उर्वशी आल्सो एंड यू फील फॉर उर्वशी द फीलिंग्स विल बी डिफरेंट लाइक ही जस्ट डेमोंस्ट्रेटेड दैट कि उनको दो वो अलग वाली फीलिंग्स है और दोनों गाने उर्वशी के उर्वशी वो अलग ही फीलिंग्स है वो ठीक है सो यार आपके लिए बहुत स्पेशल है फिल्म डेब्यू आपका तो आप क्या क्या कह रहे हैं I would say I'm very excited that I got a debut with History 4. It's a hit franchise, everyone knows. And it's T-Series, of course, one of the biggest production house in Bollywood. And amazing story, except that it's an amazing story. When I signed the movie, I read the script. It's very amazing and it's based on true, inspired by a true incident, you can say. And my character has lots of variations in the movie. Like as Karan told you, it's a revenge story, so every character has a gray shade. But besides that, it has lots of variations. It was great for me to performing that because I think for me, for a beginner or for a debut, people are going to judge me from this movie, but I got to play the best. So I'm very happy. So obviously, you should know all the series, first, second, third. You have seen three? Yeah, I have seen second and third. I didn't see first. First actually bahut pehle aayi thi. I think 2005 mein ya 2000 8 में आई थी 2012 में आई थी मुझे ये भी नहीं पता तो आई थिंक सेकंड हिस्टोरी 2 से क्या हुआ था आई थिंक द फ्रेंचाइजी बिकेम मोर कमर्शियल थोड़ा सेक्स एलिमेंट इरोटिक एलिमेंट डालने से गाने पंप इन करने से आई थिंक बहुत फ़र्क पड़ा था तो आई थिंक सेकंड थर्ड मैंने देखी थी मुझे दोनों अच्छी लगी होपफुली हिंदुस्तान और पूरी दुनिया को फोर्थ सबसे ज़्यादा अच्छी लगेगी सबसे ज़्यादा अच्छी लगेगी सो भी और आपकी बात करें आपकी जर्नी बॉलीवुड में बहुत ही कमाल कर रहे हैं आप तो थैंक यू इस बार किस तरह क्या करने वाले क्या खास लगा आपको हिट स्टोरी 4 पे जो आप देखिए एटलीस्ट फॉर मी ऐसा ये रोल करने का मौका इसलिए मैंने अपनाया क्योंकि ये रोल जो है वो इन योर फेस विलन नहीं है ही इज़ बिहाइंड द सीन्स ही इज़ वो ग्रे है लेकिन इट्स नॉट लाइक कि चिल्ला के सबको मार देता है इट्स नॉट लाइक दैट यू नो इट्स लाइक पता भी नहीं चलता कि कौन मैनिपुलेट कर रहा है सिचुएशन देन यू फाइनली फाइंड आउट कि इट्स हिम सो इट्स 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 अ नाइस वे इट्स अ डिफरेंट रोल फॉर मी और वो बैलेंस मेंटेन करने के लिए वो चैलेंज था मेरा तो दैट वाज फन फॉर मी दैट्स व्हाई आई चोज इट सो विशाल के डायरेक्शन में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा यार बहुत ही मजेदार डायरेक्टर हैं वो ना कभी इट वाज अ पेड हॉलिडे हां मतलब वो कभी-कभी ऐसी-ऐसी चीजें कर देते हैं आई नेवर मेट दिस चिल्ड्रन पर्सन लाइक विशाल पांड्या वो लगते ही नहीं है कि वो डायरेक्टर हैं आल्सो बिकॉज़ ऑफ द एज आई थिंक यू नो वी आर ऑल ऑलमोस्ट द सेम एज थैंक्स करण फॉर दैट मतलब आई थिंक एक टाइम के बाद कोई एज का डिफरेंस मतलब जब आप छोटे होते हो ना कि वो 10 साल का और मैं 20 का हूं तो मैं बहुत बड़ा हूं लेकिन उसके बाद आई थिंक आप वंस यू क्रॉस 25-26 सब ऑलमोस्ट सेम वेवलेंथ पे आ जाते हैं तो आई थिंक इवन आर डीओपी या यू नो शी वाज आल्सो सो मच फन सुनीता जी वाज सो मच बिग फिल्म सो इट्स गुड सो इट वाज वेरी यंग या सो वेरी यंग लॉट ऑफ पीपल आवर कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट आवर हेयर एंड मेकअप या एवरीबॉडी दे वर ऑल सेट वाज अमेजिंग इवन विशाल पांड्या लाइक ही इज जैसे हमने पहले भी इंटरव्यू में बोला ही इज वेरी फोकस्ड and he's very clear in his head ki usko kya chahiye so especially with a film like this na unko pata tha ki unko exactly kya chahiye so that helps us a lot so it helps the actors a lot so it was amazing wo she lead kar rahi hai to aap logo ka kya reaction raha fir is pe kya as a lead hai wo to hum bhi lead hai humko matlab koi junior artist thodi hai aapne kaha bhai grey hai ग्रे इज माय कैरेक्टर एक्चुअली अगर आप फिल्म देखोगे ना तो आप रियलाइज करोगे कि सबका रोल इक्वल है यस द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द फिल्म इज उर्वशी बट एवरीबॉडी इंक्लूडिंग इहाना हैज अ वेरी वाइटल रोल टू प्ले एंड इट्स नथिंग टू डू विद लीड और एनीथिंग इट्स अ टीम एफर्ट आई थिंक वो दिन चले गए यार हाँ, जब आप लीड मतलब लीड से किसी को बॉदर होता था कि अरे यार ये लीड है मैं लीड क्यों नहीं आई थिंक उससे फिर सबसे पहले तो फिर उन्हें ये होना चाहिए कि मेरा ग्रे कम होना चाहिए दूसरे का ग्रे ज़्यादा होना चाहिए आई थिंक शी इज़ ऑन द पोस्टर बिकॉज ऑफ अ रीज़न वो रीज़न आपको 9 मार्च को फिल्म देख के ही पता चलेगा कि वो रीज़न क्यों है बिकॉज शी इज़ प्रॉब्ली द ओनली वन इन द फिल्म हु हैज़ अ सीन विद ऑल ऑफ अस एंड हैज़ अ मोमेंट और अ कैरेक्टरिस्टिक मोमेंट विद ऑल ऑफ अस तो दैट्स वाई शी इज़ द प्रोटैगनिस्ट सो क्या कहना चाहेंगे अपने चाहने वालों फैंस के लिए 9 मार्च को रिलीज है देखना मत भूलिएगा प्लीज गो टू अ थिएटर नियर यू और इफ इट्स फार अवे फ्रॉम यू प्लीज गो देयर आल्सो होली का माहौल है प्लीज रंग में भंग हो जाइए और बहुत सारी भंग मत खाइए और जाइए पिक्चर और एंजॉय कीजिए बम बम बोले यस हिट स्टोरी 4 रिलीजिंग ऑन 9th ऑफ मार्च गाइस गो वॉच थिएटर्स नियर यू Not only near you, everywhere actually. And yeah, it's my debut, so please go watch and support me. No. Just watch the film, yeah. 9th of March, it's almost there.
हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं एंड वी वर्कड हार्ड एंड आई होप यू लाइक दिल्ली के कोई थिएटर में ये होगा तो इसको देखने सारे थिएटर में जाइए देखिए कि करण भाई कौन से थिएटर में है तो बस देखिए यार हमने मेहनत की है अच्छी लगे तो भी बताइए नहीं अच्छी लगे तो भी बताइए टिकट खरीदिए कोई बात नहीं हां टिकट तो तुमने खरीद ली होगी कोई बात नहीं थैंक यू थैंक यू थैंक यू